प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके टर्म वन की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो यहां पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक कहीं भूल नहीं जाना रे। बिल्कुल प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, दिल के साफ मन के सच्चे, एनसीईआरटी की बुक कहीं भूल नहीं जाना रे। क्योंकि थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द मंथ्स, आपने जो भी आपके टीचर्स ने कंसेप्ट बनाए हैं, पढ़ाए हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाए हैं, तो आप लास्ट टाइम रिवीजन के दौरान भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चंस सेट किए गए हैं वो एनसीईआरटी की बुक के कंसेप्ट के ऊपर ही हैं। तो चैप्टर 1-8 जितने भी आपके चैप्टर टर्म 1 में आए हैं, सभी में क्या क्या आपको पढ़ना है, मैंने वीडियो बना दी है, टिक मार्क कर दिए हैं। जस्ट आप ध्यान से देखिए और अपनी नोटबुक खोल के बैठ जाइए, क्योंकि हम वही बताएंगे जो आपके टर्म 1 एग्जाम में आएंगे। तो बिल्कुल, तो प्यारे बच्चों आप एनसीईआरटी की जो बुक है उसको करके जाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो प्रश्न है, जो आपके क्वेश्चन पेपर सेट हुए हैं, दैट इज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक ओनली। तो देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 अपने पास पूरी लिस्ट है, 8 के 8 चैप्टर है, पूरी लिस्ट है। एक एक चैप्टर मैं खोलूंगा एंड आई विल टेल यू कि क्या क्या आपको पढ़ना जरूरी है और क्या आप एस्केप कर सकते हैं। थ्योरम 1 है, दैट इज इक्वल डिवीजन लेमा, ये आपको इसकी इक्वेशन आनी चाहिए कि होता क्या है। तो वो है एज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में आर, वेयर जो आर है, आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। आर बड़ा है किससे, जीरो से, और उसके बराबर भी हो सकता है, बट इट वुड बी ऑलवेज लेस देन बी। यहाँ पे बी क्या है, जो उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, डिवाइसर। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलिए, नेक्स्ट क्या पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जरा कहां पे ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये वाले जो क्वेश्चन है ये सारे किस पे बेस्ड हैं, आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे हैं, एलसीएम एचसीएफ। ये देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें क्या करना जरूरी है, आपको ये जरूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए हाउ टू फाइंड आउट द एचसीएफ एंड एलसीएम, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एक तो ये वाला है एन आर्मी वाला, और दूसरा इससे ऊपर है जो एग्जाम्पल है काजू बर्फी से रिलेटेड, जो एग्जाम्पल ये काजू बर्फी एग्जाम्पल नंबर 4, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं जो एचसीएफ और एलसीएम करके निकालते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूं क्या क्या है। एक तो आर्मी वाला हो गया, एक काजू बर्फी कैसे आप उनकी स्टैकिंग करेंगे, एक क्लॉक से रिलेटेड हो गया, एक ट्रैफिक लाइट्स जो सिग्नल लगे होते हैं उनसे रिलेटेड हो गया। तो कहने का मतलब है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे यू हैव टू डू ऑल दोज क्वेश्चंस। नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइज 1.2 में, देखा जाए जरा क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात मैं कर रहा था कि इसकी स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए। स्टेटमेंट में ये कहता है कि कोई भी आपके पास कंपोजिट नंबर है उसको आप हमेशा एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर 12 है तो 12 को जब आप डिवाइड करेंगे 6, 2, 3 एंड देन 3, 1, तो 12 कैन बी रिटर्न एज 2 × 2 × 3। आई बात सुनिए, 2 की पावर 2 × 3। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो आप उसको किस फॉर्मेट में हमेशा लिख सकते हैं, यू कैन राइट दैट नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। ये हो गया आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये कह रहा है एक ये क्वेश्चन भी कर लेना कि भाई कंसीडर 4 की पावर n, और कह रहा है कि क्या ये जीरो से डिजिट n होगा, तो n हम मान लेते हैं n क्या है 1, और 4 की पावर 1 4 की पावर 2 4 की पावर 3 4 की पावर 4, इस तरह लिखते रहिए, जीरो कभी भी नहीं आएगा, इसके अंत में हमेशा क्या आएगा, या तो 4 आएगा या क्या आ जाएगा 6, या 4 आएगा या 6। तो आप सिंपल से लिख देंगे कि भाई नो, इट कैन नॉट एंड विद जीरो। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ एंड एलसीएम, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, मींस एक्सरसाइज 1.2 के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें हर एक क्वेश्चन करना है, जो अभी मैं बात कर रहा था कितना मिनट लेता है एक राउंड कंप्लीट करने में, तो ये सभी प्रकार के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। एग्जाम इसमें एक्सरसाइज 1.2 बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अब आप आ जाइए रैशनल इरैशनल नंबर्स के कंसेप्ट्स पे। रैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि इफ एनी प्राइम नंबर इज रिटन इन रूट फॉर्म तो वो हमेशा क्या होगा, आपका इरैशनल नंबर होगा। तो ये जो सारे कंसेप्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट, वो आपको मालूम होने चाहिए। अब आ जाइए एक्सरसाइज 1.4, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है एक्सरसाइज 1.4। कहां भाई,
इसको छोड़ दीजिए, रैशनल इरेशनल को छोड़ सकते हैं हम लोग, इस पे आ जाइए। ये जो एग्जांपल्स दिए हुए यहाँ पे कि बताओ भाई वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और पूरी एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, ये सबसे ज्यादा जरूरी। थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.5 सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या कहता है इसमें कि कोई भी नंबर है टर्मिनेटिंग कब होगा, जब जो डिनोमिनेटर है, ये मान लीजिए न्यूमरेटर है और उसके नीचे जो डिनोमिनेटर है 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्मेट में है, तो देन द नंबर विल बी, रेशियो विल बी टर्मिनेटिंग। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसी पे क्वेश्चन आएगा भाई। इसके बाद ये सेम है, सेम क्वेश्चन इज देयर, और कितने नंबर के बाद नंबर टर्मिनेट होगा ये आपको मालूम होना चाहिए। ये मैंने वीडियो बनाई हुई है इस चैप्टर पे, यू कैन वॉच दैट वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.4, इसमें आपको बताना है वेदर दीज नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और क्वेश्चन क्या आएगा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो आएगा ही, उसके बाद बोलेगा कि इट विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम सेइंग सपोज आई हैव रिटन अ नंबर दिस इज 3 एंड आई रोट दिस इज 2 की पावर 5 एंड 5 की पावर 2 लिख दिया, तो बताइए जरा कितने नंबर के बाद टर्मिनेट होगी। ये टर्मिनेटिंग है, यस इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर बिकॉज द नंबर इज 2 की पावर 5 एंड 5 की पावर m, ये जो अभी हमने पढ़ा इस वाले फॉर्मेट में है। लेकिन कितने नंबर के बाद, जितनी भी पावर हाईएस्ट है, जिसकी भी हाईएस्ट पावर है ना 2 और 5 में, वही उतने नंबर के बाद ये क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 में से केवल आपको इतना ही पढ़ना है, मैं यहां पे लिख के भी बता देता हूं चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना क्या है। सबसे पहले यू मस्ट नो फंडामेंटल थ्योरम, क्या आना चाहिए, फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, पहली बात, पहली बात। दूसरी बात, हाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड एससीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एससीएफ कैसे निकालते हैं। तीसरी बात, जो जो क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एससीएफ एंड एलसीएम। स्कूल के बच्चे कहते रहे सर बता दो क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, बता दो क्या क्या आएगा, तो भाई आप लोग नोट कर लीजिए, यही सारी चीजें आएंगी। और चौथा कि टेल वेदर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इट विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। तो ये चार चीजें हैं जो आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। इज दैट क्लियर, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी बातें। अब ये नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 2, और समरी जरूर पढ़ लिया करो भाई, समरी बताना तो मैं भूल गया, समरी जरूर पढ़ना है आपको, किसी भी चैप्टर की समरी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और समरी में से क्वेश्चन आने की हमेशा संभावना रहती है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो सारा वही चीज लिखा हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर इज दैट इज चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। देखिए पॉलिनोमियल्स में क्या क्या आने वाला है, चैप्टर नंबर 2 इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में देखते हैं जरा क्या क्या आएगा। सबसे पहले आपको डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, व्हाट इज पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और ये क्वेश्चन आएगा कि भाई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोज हो सकते हैं, हाउ मेनी जीरोज आर देयर ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ज्यादा कितनी जीरो होंगी, 2 जीरो होंगी, और कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है जितनी उसकी पावर होती है उतनी उसकी जीरो होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 8, तो मैंने बोल दिया कि भाई इसमें कितने जीरोज होंगे, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इट वुड हैव 3 जीरोज, ठीक है ना। तो ये आप मालूम, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है और एक होता है बाई क्वाड्रेटिक में कितनी पावर लगती है, x की पावर कितनी लगेगी, 4 होती है। बाई का मतलब क्या हो गया, डबल का, क्वाड्रेटिक का डबल, तो पावर कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएंगी। नेक्स्ट एंड द वैल्यू निकालनी, केक पे क्या वैल्यू आएगी आपको मालूम होना चाहिए, अगर 1 जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। आगे आ जाइए, और सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और देखिए क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ क्वेश्चन, एक आपको ग्राफ दे देगा और उस ग्राफ में आपको बताना होगा कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। यहां पे जरा निशान लगाओ भाई, ये वाले पार्ट्स को निशान लगाओ, इफ a इज ग्रेटर देन जीरो, तो जो आपका पैराबोला है वो कैसे ओपन होगा, इस तरीके से ऊपर की साइड खुला होगा, ये देखो लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन जीरो तो ऐसे, एंड a इज लेस देन जीरो तो ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर पॉलिनोमियल इज ax² + bx +
सी। नेक्स्ट ये जो ग्राफ है कितने जीरो होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। सारी वीडियो बना रखी है यार मैंने, आप वीडियो आप अच्छे से देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो 2.1 एक्सरसाइज है ये इसी में है, यू हैव टू टेल द नंबर ऑफ जीरोज, कितने जीरोज हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज आप समझना है तो यू कैन वॉच द वीडियो, जितने पॉइंट्स पे कट करता है उतना ही क्या है जीरो। और मान लो कोई ऐसा पॉलीनोमियल है इस तरीके से हो गया और ये कट ही नहीं रहा, तो कितने जीरोज हैं, कुछ भी जीरो नहीं है, केवल एक्स एक्सिस पे देखना भाई साहब, केवल एक्स एक्सिस पे, वाई वाले को हम जीरोज नहीं कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट यू कैन वॉच द वीडियो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, 2.1 एक्सरसाइज अच्छे से कर लेना। नाउ नेक्स्ट सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये क्या होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, और कैसे बनते हैं ये भी आपको मालूम चाहिए। अल्फा बीटा वाला जो क्वेश्चन है ना, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ही देगा। जैसे कि मान लो क्वेश्चन लिख देगा, एक क्वालिटी की क्वेश्चन लिख दिया उसने, कुछ भी लिख दिया, और क्वालिटी की क्वेश्चन लिखने के बाद बोलेगा कि भाई फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो आप स्प्लिटिंग अप ऑफ द मिडल टर्म करके कहीं क्वेश्चन मत करने लग जाना, यहाँ पे सम निकाल देना और यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल देना। इस तरीके से भी पूछ सकता है वन ओवर अल्फा प्लस वन ओवर में बीटा, तो फिर आप अल्फा बीटा निकालने मत बैठ जाना, इसका एलसीएम ले लोगे तो नीचे क्या जाएगा अल्फा बीटा और ऊपर क्या जाएगा अल्फा प्लस बीटा, सम और प्रोडक्ट, इसमें भी सम एंड प्रोडक्ट ही निकालना है। ये क्वेश्चंस मैंने करवा रखा है, यू कैन वॉच द वीडियो। एग्जांपल नंबर टू देखिए, एग्जांपल नंबर टू कर लेना, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो कर लेना कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बनाते कैसे हैं। नेक्स्ट ये है फाइंड द सम, ये फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है जिसमें सम और प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन होंगे जस्ट डू दैट। ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों के लिए जो बार बार तंग करते हैं, सर बता दो ना क्या क्या आएगा, तो देख लीजिए यही आएगा। एक्सरसाइज 2.2 है, अच्छे से कर लीजिएगा एक्सरसाइज 2.2, अच्छे से कर लीजिएगा। कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये सारी चीजें अच्छे से कर लेना प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। इसके बाद ये डिवीजन वाला तो कुछ आ नहीं रहा, बस इसमें इतना ही करना है आपको, आगे बात समझ में। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की भी वीडियो उपलब्ध है, यू कैन गेट इट फ्रॉम द प्ले लिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या है बच्चों, देखो जरा, इसमें आपको क्या पढ़ना है, ये देखो एक चीज तो ये पढ़ लेना, ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है इस सॉल्यूशन एक्स एंड वाई, वाई से वर्सा, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में डिटेल, क्योंकि भाई बेसिक तो अपनी एनसीईआरटी से ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और उसके बाद इसमें 3.1 छोड़ दो चाहे, ये है जो, ये जो टेबल है ये सब चीजों की नानी है, इस चैप्टर की पूरी जान है, तो ये टेबल आप अच्छे से कर लेना बेटा, ठीक है ना। इसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज, ये मैं अब इसको समझाऊंगा थोड़ी ना यहाँ पे, बस आप कर लेना इसको, ठीक है। मैंने नीचे लिखा हुआ है जैसे कि क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए पॉलीनोमियल चैप्टर है तो पॉलीनोमियल प्लेलिस्ट, ठीक है, यू विल गेट फ्रॉम देयर, तो इसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसमें बस आपको यही करना है, ये वाला अगर आपको आता है अच्छे से तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन होगा, ये और इससे ऊपर है जो भी बताना है आपको कि कंपेयर करो, बताओ पैरेलल बनेगी, कोइंसिडेंट बनेगी, कैसे बनेगी, सब कुछ बताया हुआ मैंने, जस्ट वॉच दैट वीडियो। अब आ जाइए आप चैप्टर नंबर 4 पे, चैप्टर नंबर 4 पे देखते हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 4 तो है नहीं, चैप्टर नंबर 6 मतलब टर्म 1 में जो फोर्थ चैप्टर आ रहा है वो कौन सा है, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। देखो बच्चे ट्रायंगल में क्या पढ़ना है आपको, ये देखिए जरा, ट्रायंगल में आप सबसे पहले ये देखिए, आपको मालूम होना चाहिए सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है। मान लीजिए आपको फिगर दे देगा, बोलेगा बताओ भाई सिमिलर कौन सा है, कॉन्ग्रुएंट कौन सा, तो आपको मालूम होना चाहिए सिमिलर क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 हर एक क्वेश्चन करना है, इसमें हर एक क्वेश्चन कहां तक,
सारे क्वेश्चन करने हैं। अरे सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल में कुछ नहीं करना है आपको, बीपीटी जो थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका आपको बेसिक मालूम होना चाहिए कि क्या होता है कि अगर ट्रायंगल दिया हुआ है तो कहीं से भी आप डिवाइड, कहीं से भी उसको रेशियो में लेंगे तो उनका प्रोपोर्शन रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस ट्रायंगल में ये करना है। और कौन सा क्वेश्चन है, ये सारे कर लेना ये एग्जाम्पल। जो एक्सरसाइज 6.2 है, 6.2 में देखो जरा, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं कौन कौन सा क्वेश्चन करना है आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक ये कर लेना लास्ट वाले, नाइन्थ एंड टेंथ, नाइन्थ एंड टेंथ। अब आ जाओ एक्सरसाइज नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या है, इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज ये आपको मालूम होना चाहिए, ज़्यादा इसमें आपको मालूम होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ खुद ही क्या होता है कि मान लो दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। अब दो ट्रायंगल दिया हुआ है तो इनके जो साइड का रेशियो है, ये मान लो ए बी सी है, ये एम एन, एम एन ओ दिया हुआ है, तो इनका जो एरिया होगा, एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल वन, मान लीजिए वन ट्राइंगल है, दिस इज द सेकेंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल वन ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल टू का रेशियो जो होगा वो उनके साइड्स के रेशियो हैं जो ए बी ओवर में एम एन, ए बी ओवर में एम एन, इनके स्केयर्स के क्या हो जाएगा, बराबर। बात समझ में आएगी, तो ये वाला कंसेप्ट जरूर कर लेना, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन आता है तो ट्राइंगल चैप्टर में से आपको लगेगा कि ये लड़की वाला जो क्वेश्चन है ये आपको जरूर करना है, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे वो, ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये सारे कर लेना भाई, ये वाला क्वेश्चन द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो आप जरूर ही जरूर करके जाना, दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, गर्ल वाला। नेक्स्ट, बस इस ट्राइंगल वाले चैप्टर में से आपको इतना ही करना है, इतना ही आप जान लीजिए काफ़ी है, इसी में से पेपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर सेवन, चैप्टर नंबर सेवन में देखो जरा क्या क्या आएगा, खुल जा भाई। अच्छा इधर खुला हुआ होगा, चैप्टर नंबर सेवन में देखो बच्चे क्या पढ़ना है आपको। चैप्टर नंबर सेवन की भी वीडियो उपलब्ध है, उसमें क्या है कि मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि कोऑर्डिनेट्स और अपशिषा क्या होते हैं, ठीक है, ये आप अच्छे से देख लेना। इस पे डिस्टेंस फॉर्मूले में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आएंगे, ठीक है ना। आपको बोल देगा कि भाई ट्राइंगल बताते हैं क्या, ये वाला क्वेश्चन कर लेना एग्जाम्पल नंबर टू, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल नंबर थ्री, एग्जाम्पल नंबर फोर, एग्जाम्पल फाइव। नाउ 7.1 में क्या करना है, 7.1 में ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिटरमिन कोलिनियर क्या होते हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये कर लेना। इसके बाद फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट निकालना है वो बताओ, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है, मैं यहीं बता देता हूँ। यार देखो जो आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेवन में जो जो आपको करना है वो देखिए क्या क्या करना है। चैप्टर नंबर सेवन में एक तो आपको करना है डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस, दूसरा आपको क्या करना है सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन, तीसरा क्या करना है कि ये आपका सर्कल हो गया, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए तो सेंटर वाला निकालो, सेंटर वाला दिया हुआ तो ये निकालो चाहे ये निकालो, इसके बाद ट्राइंगल हो गया, स्केयर हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो बोलेगा कि एक आपको कोऑर्डिनेट नहीं देगा और बाकी दिया होगा, तो आपको फाइंड आउट करना है ट्राइंगल हो गया इसका सेंट्रोइड क्या होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वही आपसे पूछेगा। ये भी पूछ सकता है कि मान लो ये हो गया, ये कोऑर्डिनेट्स दे दिया 5, 4, 6, इधर तो आएगा तो -5, इसका इमेज बनाओगे थ्रू वाई एक्सिस तो क्या बनेगा, एक्स एक्सिस तो क्या बनेगा, तो ये आप जरूर कर लेना बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर नाइन एंड टेन, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्वेश्चन नंबर सेवन एट नाइन एंड टेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद सेक्शन फार्मूला आ गया, सेक्शन फार्मूला में आपको क्या करना है, एग्जांपल नंबर सिक्स करना है, सेवन करना है, और एट भी करना है, नाइन टेन, बस ये आप अच्छे से कर लेना इन चैप्टर्स में, तो यही इम्पोर्टेंट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका आ नहीं रहा, इससे नहीं आ रहा है। नाउ कम एट चैप्टर नंबर एट, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये ट्रिग्नोमेट्री।
प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, दिल के भोले मन के सच्चो, एनसीईआरटी की बुक कहीं भूल नहीं जाना रे। ये देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8, इसमें आपको क्या पढ़ना है, निशान लगा लीजिए। इसमें तो कुछ नहीं पढ़ना भाई, इसमें तो बेसिक्स ही पढ़ने हैं। ये है, इस प्रकार आप पढ़ लेना कैसे बनता है। जो क्वेश्चन आएगा मैं बता देता हूँ कहाँ से आएंगे। ये कर लेना एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, बस बेसिक कर लेना इसका मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 ट्रिपलेट से रिलेटेड, 4, 5, 8.1 में देखो भाई क्या क्या करना है। 8.1 में आप कर लेना क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, ये छोड़ दो चाहे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इम्पोर्टेंट एम आई पी, ये वैल्यू ही तो निकालनी है यार, आपको याद होना चाहिए वैल्यू और फिर आपकी निकल जाएगी। इसके बाद है 10, और इसके ऊपर मैंने वीडियो बना हुआ है, हर एक चीज़ अच्छे से समझाया हुआ है। और कौन सी वीडियो बनाई हुई है, इसके ऊपर हर एक चीज़ एक कंसेप्ट है उसमें, प्रेम भैया। कौन सा कंसेप्ट है, प्रेम भैया, ये कंसेप्ट अच्छे से देख लेना। इसमें क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना, आप जो लिखते हैं ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, याद ना हो तो क्या, आपको कुछ भी नहीं करना, टेंजेंट हमेशा याद होता है, प्रेम भैया। उसके बाद इधर आ जाओ, उल्टा जाओगे तो ये कर लोगे भैया प्रेम, फिर प्रेम है भैया है। तो इस तरीके से करके मैंने खुद का कंसेप्ट बताया है कि किस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो चैप्टर, इस चैप्टर में ये सारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये वाले ज़रूर कर लेना आप लोग, ठीक है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट 8.2 में आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू याद करनी है, वैल्यूज याद करके ही तो इसमें फिलअप करेंगे तभी भर पाएंगे। 60 क्या होता है, 10 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखो भाई ये है, ये सारे हैं, ये बार बार ये क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ये थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, इसमें फिर कन्फ्यूज होते रहते हैं सोल्व कैसे करें। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, करोगे तो आ जाएगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। अब आ जाओ ये वाले फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, मतलब इस एक्सरसाइज का 8.2 पूरा अच्छे से कर लेना। अब आ जाओ 8.3 आपकी आ नहीं रही है, ठीक है बस। और ये जो फॉर्मूले हैं, तीन चार फॉर्मूले हैं ना, मैं लिख ही देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले हैं भाई, यहाँ पे आ जाओ। 25 मिनट की वीडियो तो हो जाएगी। फॉर्मूले क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा फॉर्मूला क्या है बताओ, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और तीसरा फॉर्मूला क्या है, सिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना। इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, आपको मालूम होना चाहिए, बस आपको इतना ही करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट, फोन बज रहा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल देखा जाए, इसमें देखो बच्चे क्या क्या करना है आपको, ये आपको मालूम होना चाहिए ये वाला कंसेप्ट, ठीक है ना, सर्कमफ्रेंस। तो प्यारे बच्चों, जो अगला चैप्टर है डेट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल से रिलेटेड जो एरिया है उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें देखिए आपको क्या क्या नोट करना है, देखो सबसे पहले क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स, जो बेसिक कंसेप्ट है जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि सर्कमफ्रेंस पर डायमीटर क्या होता है, पाई के बराबर होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पाई इनटू डायमीटर होता है। तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा,
12.1 में जो जो क्वेश्चंस करना है वो नोट कीजिए। ये देखिए सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तो आपका आएगा ही आएगा, ये स्पेशल बना ही हुआ है 1 मार्क के लिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी है। उसके बाद आ जाइए दीज आर द फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूला कहीं से भी घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है, तो आप इस पे जरूर गौर फरमाइएगा। देन ये 120 वाले डिग्री वाले जो क्वेश्चन हैं, दीज क्वेश्चन आर नॉट कमिंग, ये है ये वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बस आप ध्यान से इनको पढ़ के जाइएगा, समझ के कंसेप्ट जाइएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14, ये जरूर आएगा आपका। इसके बाद ये जो फिगर्स से बने हुए हैं, जो केस बेस्ड स्टडी है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जो भी ये फिगर वाले क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन हो गया, ये सारे क्वेश्चन ये आपके आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाइएगा। दिखने में ये मुश्किल लग रहे होंगे लेकिन इनके जो कंसेप्ट हैं बहुत ही ज्यादा आसान है, तो ये जरूर कीजिएगा। जिसपे मैं टिक मार्क करूं, क्वेश्चन नंबर 10 दीज क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है इस वाले चैप्टर का भी आपको मालूम चल गया क्या क्या करना है। नाउ द लास्ट दैट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में देखिए क्या करना है आपको। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, इसको क्या रखूं सर? एक मिनट हैंड दो। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी में क्या करना है बच्चों, इसमें आपके जो बेसिक कंसेप्ट है बस वो क्लियर होने चाहिए। हर प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। मैं बता देता हूं कौन से हैं। एग्जांपल नंबर 1 अच्छे से आना चाहिए आपको, एग्जांपल नंबर 1 अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जांपल नंबर 1। इसके बाद है एग्जांपल नंबर 2, 3। ये जो कंसेप्ट है इसमें एक जो कंसेप्ट है जो आपको बताया गया है वो देखिए ध्यान से क्या है, क्या करना है इसमें। देखिए ये जो कंसेप्ट है डेट इज पीई, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये, और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर बार लगा के पूछेगा क्या होगा। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहती है, 1 रहती है। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा आप प्लीज 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 उसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके कंसेप्ट में यही है, और प्रोबेबिलिटी लाइज फ्रॉम कहां कहां से प्रोबेबिलिटी, ये वाला ये देखो ये जरूर कर लेना प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। इसके बाद कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन हैं, जरूर आएंगे, जरूर से जरूर आएंगे। फेस कार्ड क्या होता है, बर्थडे से रिलेटेड, ठीक है ना। ये बर्थडे वाला क्वेश्चन क्या होगा, एक ही दिन बर्थडे, दो बंदों के एक ही दिन में बर्थडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, लीप ईयर में बर्थडे ना हो, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा। व्हाइट बॉल, ब्लू बॉल, रेड बॉल, ये सारे क्वेश्चन है। ये है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, हो सकता है यही सीधा सीधा उठ के आ जाए केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में, है ना। ये क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट हैं, ये सारे इंपोर्टेंट हैं, किसी को ये नहीं कह सकता कि इसमें छोड़ना है। ये देखो ये इसमें से आपका आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ये निशान लगा लीजिए, ठीक है ना। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये सारे हैं जो दीज आर द वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स, ये सारे आप कर लीजिएगा, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, इसमें से जरूर आएंगे क्वेश्चंस। मीन प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए तो ये चैप्टर पूरा ही आप अच्छे से करके जाइएगा, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव के क्या चांसेस हैं, और उसके बाद लास्ट में जो आपको पढ़ना होता है ये सारा भी कर लीजिएगा। ये सारे हैं क्वेश्चन नंबर 24। सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डू ऑल दीज क्वेश्चंस। समरी पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है, देखिए 6 के 6 चैप्टर हमारे हो गए हैं, 6 के 6 चैप्टर्स मैंने बता दिया क्या क्या करना है आपको,
और आप यकीन मुझे भी विश्वास है कि आप जरूर करेंगे। तो प्यारे बच्चों बस इसी उम्मीद के साथ कि एनसीईआरटी की बुक को जरूर करना ही करना है। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।